हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर से है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग पहले देख चुके थे कोशिका क्या होती है, तो अगर आपने वो कोशिका का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से सेल यानी कोशिका की वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका फिजिकली दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल, इसमें डिफरेंस क्या होता है यानी अंतर क्या होता है, तो देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव यानी कि आरंभिक, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, आरंभिक केंद्र यानी कि जिनमें केंद्रक आरंभिक होता है, सरल प्रकार का होता है उन्हें क्या कहते हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। और यहां पर देखिएगा यूकैरियोटिक यानी कि यू का मतलब होता है गुड और वेल, और सेम कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक यानी जिनमें अच्छा यानी कि विकसित केंद्रक होता है, जिनमें विकसित या अच्छा केंद्रक होता है उन्हें कहते हैं कौन सी, यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा डिफरेंस देखिएगा, तो पहला तो ये हो गया कि इनमें सरल प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो इसमें सूक्ष्म जीव नीलारित शैवाल, नीलारित शैवाल जीवाणु और विषाणु आदि यानी कि जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के माध्यम से ही जितने भी सूक्ष्म जीव हैं यानी जीवाणु विषाणु शैवाल ये सब आते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में सारे जंतु और वनस्पति आते हैं, यानी जिनकी संरचना कैसी होती है, थोड़ी कठिन होती है, इनकी आंतरिक संरचना थोड़ी कठिन होती है, उनमें ये कौन से जीव आते हैं, यूकैरियोटिक। तो जैसे कि जंतु और वनस्पति, तो जंतु में आते हैं इसकी मानव और जानवर वगैरह, और वनस्पति में पेड़ पौधे, तो इनमें क्या होता है, ये कोशिका उपस्थित होती है। तो इनमें एक डिफरेंस ये हो गया कि ये सूक्ष्म जीव हो जिसकी जीवाणु विषाणु शैवाल नेदर शैवाल इनमें उपस्थित होती हैं, और ये थोड़े बड़े जीव हो यानी कि जंतु और वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जानवरों में इनकी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी कि मानवों में यूकैरियोटिक सेल होती है, और बात करें प्रोकैरियोटिक की तो ये सूक्ष्म जीवों में होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जो है वो यूकैरियोटिक सेल का है या प्रोकैरियोटिक सेल का, तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि मानव कैसा है, यूकैरियोटिक सेल का है, जबकि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, यानी मानव में उपस्थित होता है यूकैरियोटिक सेल, और सूक्ष्म जीव जो यानी एक कोशिकीय टाइप के होते हैं उनमें ज्यादातर सरल प्रकार के जो जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जीव उनमें प्रोकैरियोटिक सेल ही देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें माइटोकांड्रिया, हरितलवक, गोलजिकाय, केंद्रक यानी अंदर और अंतःप्रदर्भी जालिका, इनमें क्या होता है, इसका अभाव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या होता है, अभाव होता है। पहली बात तो ये सरल प्रकार की है, ये सरल प्रकार की कोशिकाएं होती है और इनमें इन सबके कोशिका अंगों का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि जो अपनी यूकैरियोटिक सेल है उनमें ये सब पूर्ण विकसित होते हैं, उपस्थित होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो इनमें जो श्वसन है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें जो श्वसन है वो कैसा होता है, जीव द्रव्य कला के अंदर होता है या जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है, अपन कह सकते हैं कि इनमें जो श्वसन है वो जीव द्रव्य कला में होता है। अब इनकी बात करते हैं तो इनमें जो श्वसन है वो कैसा होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। इनमें श्वसन की बात करें तो जीव द्रव्य कला में होता है, और अगर बात करते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, तो इनमें जो श्वसन है वो माइटोकांड्रिया में होता है, यानी कि मानव में जो श्वसन है वो कोशिका का कौन सा पार्ट करता है, तो माइटोकांड्रिया करता है। पांचवा अंतर देखते हैं तो इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली एक गोल गेंद सी होती है जिनमें प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण करने की क्षमता होती है, वो अपन बाद में देखेंगे, वो अपना टॉपिक नहीं है। तो 70 ऐसे हैं कि, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यानी जो सेल होती है उसको, जैसे कि बेसिकली माइक्रोदर्शी यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखते हैं,
तो इसमें जो 70 है इसमें थोड़ा कम जूम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा जूम करना पड़ेगा, इसके जो राइबोसोम्स को देखने के लिए थोड़ा कम जूम करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा जूम करना पड़ेगा। तो इसमें ये डिफरेंस है। अगला देखते हैं, तो अगला है अपना केंद्रक का। इसमें क्या होता है, आवा होता है, जिसके कारण केंद्रक पदार्थ डीएनए यानी कि आरएनए सीधे ही संपर्क में आती है। जो जीव द्रव, जैसे कि हम एक चित्र की भांति आपको दिखा देते हैं, जैसे कि कोई एक कोशिका है, कोशिका केंद्रक क्या है, केंद्रक है। तो इसमें केंद्रक का क्या होता है, आभा होता है, यानी कि कमी होती है, यानी कि केंद्रक होता ही नहीं है या कमी होती है। तो इसमें जो कैसी होती है, इसमें जो केंद्रक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए, वो कोशिका के सीधे संपर्क में आते हैं। देखिएगा, कोशिका के सीधे संपर्क में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो ऐसे ही। और इसमें केंद्रक विकसित होता है, यानी इनमें केंद्रक जो विकसित, जैसे मान लो ये कोशिका है, इसके अंदर जो केंद्रक है ये इसमें क्या है, विकसित है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्र क्या है, विकसित होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक पदार्थ है यानी कि डीएनए आरएनए वगैरह, तो इसे केंद्रक के अंदर होते हैं। देखो, निश्चित केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, निश्चित केंद्रक के कहाँ होते हैं, अंदर पाए जाते हैं। तो एक डिफरेंस ये है। अगला डिफरेंस है हिस्टोन प्रोटीन का। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता है, यानी जो डीएनए है उसमें एक अलग विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए के साथ एक धागे के रूप में हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। तो क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया ही नहीं जाता, यानी डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन धागे के रूप में नहीं लगा रहता है। जबकि बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि इसके जो डीएनए है इसके धागे के साथ प्रोटीन लगी रहती है। एक डिफरेंस ये है। अगला कौन सा है, तो सूत्री और सूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें सूत्री और सूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि इसमें सूत्री और असूत्री विभाजन होता है। तो जीव विभाजन क्या होता है, सूत्री और असूत्री विभाजन देख लीजिए, एक थोड़ी सी लाइन में दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे कि कोई कोशिका 2n है, द्विगुणित है, तो जब इसमें विभाजन होगा, कौन सा, मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा होगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री के माध्यम से क्या होगा कि जो कोशिकाएं हैं वो एन एन यानी कि अलग अलग यानी कि आगुणित हो जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाती हैं, ये कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। जबकि सूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे कि कोई कोशिका 2n है, इनमें विभाजन होगा, कौन सा, सूत्री विभाजन। तो इनमें जो इनकी संतान यानी कि जो कोशिकाएं होंगी वो भी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। तो ये है सूत्री और असूत्री विभाजन। तो इनमें क्या है, इनका अभाव यानी कि इनमें होता ही नहीं है, कमी होती है, और इनमें क्या होता है कि सूत्री असूत्री विभाजन होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें जो रिक्तिकाएं हैं वो उपस्थित नहीं होती है। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तो जैसे कि कोई एक कोशिका है, यहाँ पर देख लीजिए साइड में कोई कोशिका है, इसमें बड़े बड़े स्थान खाली होते हैं, जो क्या होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। बेसिकली अभी एक लाइन पे बता रहे हैं, फिर इसकी वीडियो अलग से अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो रिक्तिकाएं यानी कि जो खाली स्थान होता है कोशिकाओं में, जो बड़ा बड़ा खाली स्थान होता है उसमें क्या होते हैं, उसे रिक्तिकाएं कहते हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित यानी कि उपस्थित नहीं होती हैं। जबकि बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें ये कह रहे हैं यहाँ पे कि रिक्तिकाएं कैसी होती हैं, उपस्थित होती हैं। इसमें जो रिक्तिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, उपस्थित होती हैं। एक तो डिफरेंस ये है। अगला देखते हैं, तो इसमें देखिएगा केंद्रिका अनुपस्थित होती है, और जबकि इसमें केंद्रिका कैसी होती है, उपस्थित होती है। जो अपनी यूकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्रिका कैसी होती है, उपस्थित होती है। अब केंद्रिका क्या है, तो देखिएगा जैसे कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है क्या, केंद्रिका। यानी कि इसमें केंद्रिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और इसमें उपस्थित होती है, इसमें तो केंद्रक का भी अभाव होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो ये तो था इनमें डिफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, उसे लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मेरे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।